दोस्तों एनिमल किंगडम एक ऐसी दुनिया है जहां आपको एक से बढ़कर एक जानवर देखने मिल जाएगा। तो फिर आज हम कुछ ऐसी ही चीजों की बातें करेंगे जिसे सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखने में तो ये कोई एक मामूली पत्ती जैसी ही लगती है, लेकिन अब आप थोड़ा ध्यान से देखना क्या होता है। दरअसल इस जीव का नाम है ऑरेंज ओक लीव बटरफ्लाई। इसको डेडली बटरफ्लाई भी बोला जाता है। कुछ इसी तरह एक और जीव है जिसका नाम है लीव बर्ग। देखने में तो ये भी कोई मामूली पत्ता ही लगता है, लेकिन ये पत्ता नहीं बल्कि एक इंसेक्ट है, डायनासोर। एंटार्क्टिका की बर्फीली पहाड़ियों पर साइंटिस्ट को डायनासोर के काफी सारे फॉसिल्स मिले, जिनको सेफली बाहर निकालने में 60 दिन से ज्यादा का समय लग गया, जो कि फेब्रोसोरस नाम के डायनासोर के कंकाल थे। यह करीब 200 मिलियन साल पहले अर्थ पर रहा करते थे। उस टाइम एंटार्क्टिका एक जंगल था, लेकिन डायनासोर के एक्सटिंक्शन के बाद एंटार्क्टिका बर्फ से ढक गया, तो उनके फॉसिल्स भी बर्फ में जम गए, जिन्हें करोड़ों साल बाद आज खोजा गया है। अगला है शाशा राइनो। साल 2014 में जब एक व्यक्ति साइबेरिया की बर्फीली पहाड़ियों से होकर गुजर रहा था, तो उसे आज तक का सबसे यूनिक और प्राचीन जानवर मिल गया, जो कि एक राइनो का था। साइंटिस्ट उसको इमीडिएटली रिसर्च के लिए ले गए, जिसके बाद उनको पता चला कि आज के राइनोस की करोड़ों साल पुरानी स्पीशीज है। जो तब मर चुका था, तब वो सिर्फ 7 साल का था, और इसका नाम उसी व्यक्ति पर रखा गया जिसने इसको खोजा था। ममीज। साल 1997 में साइबेरिया में एक नहीं बल्कि दो दो ममीज बर्फ के नीचे दफन मिले, जिसमें से एक बच्चे की थी, जिनको कपड़े की पट्टी से लपेटा गया था। लेकिन यह बात समझ नहीं आई कि इनको शहर से दूर बर्फ में क्यों दफनाया गया था। यह भी माना जाता है कि शायद उस समय में बर्फ के नीचे कोई शहर रहा होगा। लिवाइथन। मगरमच्छ, ड्रैगन, सांप और व्हेल के फीचर्स को कंबाइन कर दिया जाए तो बनेगा ये विशालकाय समुद्री दैत्य। बाइबल के अकॉर्डिंग खुद भगवान ने ही इसको क्रिएट किया था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।